अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भलीकार मां तवनी मेज़बान सबिन मेमर नाज़रीन। हॉट इशू प्रोग्राम में गाल कंदासी समाजी हवाले सा। समाजी हवाले सा जेकर डिठो वने तो इनसिक्योरिटी जी जका सूरत हाल है, इंसानी हकन जे हवाले सा, बुनियादी राइट्स जे हवाले सा, या वरी जेके बारन या न्याणी जा जेके वाकया थन था उन हवाले सा जेका सूरत हाल है सिंध अंदर खास करे तमाम घनी संगीन थी चुकी है। ये कोने या को हाने जी या अज सुभाने या बटे डी अगमे का तरह जो सिलसिलो शुरू थियो है। यो सिलसिलो केतरन ही सालन का शुरू थियल है। इन में पीपल्स पार्टी जे टिन टेन्यूअर्स में जे तरह इन वाक्यन में तेजी आई है, इन जो मिसाल माजी में नथो मिले। सोशल मीडिया जा जेके भी इन वक्त जितनी सोशल मीडिया फाल है उन जरिए काफ़ी शूँ फौरी तौर से सामूँ अची थी वन। केतरे अड़ा वाक्या जे रिपोर्ट नथा थियन उसे सोशल मीडिया के जरिए मानुन ताई फौरी तौर पर पहुंची था वन। अड़न वाक्यन में जैसे समाजी बुराइन के हवाले से गाल कजे तो समाजी बुराइन जो जै तरह से फैलाव थो है इन की रोक न थी है। इन हाने समाजी बुराई हर इदारे के समाज के हर तबके के मुतासिर कें न कें हवाले से जरूर किया है। गाल कंदासी सिंध में वधंदड़ ज्यादती, इज्तमाई ज्यादती या बदफेली के वाक्य के हवाले से जेके नरगो तालीम इदारन में दरसगाहन में रिपोर्ट थियन था। ताज़ो ही असां ॾिठोसीं त गुलशन हदीद में जेको स्कूल वारो वाक़ियो पेश आयो उन पिण इंसानियत के लजाए छॾियो। जिते तालीम हासिल करण लाइ तालीम इदारा ठाहिया वञनि उते प्रिंसिपाल पंहिंजी हवस पूरी करण जे लाइ इन तरह जा जेके आहिनि से उते वाक़िया कंदा हुजनि। इन खां अलावा रोज़मर्रा जी बुनियादनि ते इन तरह जा वाक़िया ते रिपोर्ट थियनि था। ताज़ो जेकबा जो जेको वाक़ियो नियाणी जो रिपोर्ट थियो फातिमा फरड़ो वारो वाक़ियो आहे। ही जो कल वाक्यो बो रिपोर्ट थो जैमें मीरपुर माथेलो जी पुरानी मार्केट में मस्जिद के पेश इमाम पारा एक बार सा बदफेली कंदे जै तरह जी सोशल मीडिया से उन जहाँ फोटोज जो सामूँ आया आस्ते आस्ते न्यूज़ जहाँ खबर वायरल थी वही। इन हवाले से यह भी जान मिली है यो को पर्यो वाक्य ना है सारंग शहर वो वाक्य इन जिंदा मिसाल है। इन तरह जो समाज में मनफी लाड़ा जो इखलाकी पस्ती है या तमाम घनी असंदड़ नजर अचे थी। इन जहाँ मुख्तलिफ़ फैक्टर्स सन था। सब का वही गाल कानून की कमजोरी है। कानून अड़न दोहारन के गिरफ्त में नथो आणे उन्होंने किथे न किथे रियायत मिली थी वे ये मामला फबी था वन किथे जो मुतासर जाहिर उन्होंने जी नफ्सियाती जहनी तोड़ फोड़ थे थी उनके करे वो वाक्या रिपोर्ट नथा थियन। कानूनी हवाले से वो ड्रिगो प्रोसेस थे तो थानन का वी अदालतन तई रिपोर्ट दर्ज कराण या एफ आई आर्स में उ कलम लागू करण तमाम दुख्य मरलो तो हो मुतासर जो धुर है वो शूँ अफोर्ड नथी करे सके। मुतासर धुर बासर हुए थी ढी हुए थी उनते मुख्तलिफ़ जो दबाव तरीक़ा उन आज़माया वन था या उन वात बंद वे तो इंसाफ जो हसूल दुख या नामुमकिन होजन के करे गुर्बत होजन के करे ये अड़ा फैक्टर्स आज जे अड़न दोहन की न रुगो वाद जहा सबब बणजन था पर मुतासर इंसाफ तई न पहुँचने के करे नेठ माठ थी वेही रहन था। इन तरह जहाँ वाक्य असेंगे हाँ रोज़ानो की बुनियाद से इंतहाई संगीन तरीके से रिपोर्ट थन्दे नजर अचन था। मीरपुर माथेले में जै तरह जो ये वाक्य पेश आयो है हर फोरम ते न रुगो इन की मजम्मत कई वही है पर इतने भी असेंगे यो सीन दिसण में आयो तो कड़े तरीके से इन मौलवी के जो बचाने की कोशिश कई वही। इन समूरी सूरत हाल के प्रोग्राम के पेरे हिस्से के असर तरतीब दिनों है इन हवाले से गलण के लिए इन वक्त मुख्य मीरपुर माथेलो में सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर अशरफ बुखारी ज्वाइन किया है। अशरफ भलीकार, अशरफ यो बुधा तो यो वाक्य असल में एग्जैक्ट है यो वाक्य जाहरा कल जी रिपोर्ट थो जो मंजर से आयो उन वक्त तई कल का वी वक्त तीन वाक्य के हवाले से अपडेट है। गुजरियल मौलवी जो ये फोटो वीडियो जो वायरल थे उनते इलाही जो सोशल मीडिया से ताव पकड़ियल हो उनका पुलिस तारुक में अची वही हि बुधा तो मीरपुर माथेल की पुरानी मार्केट है जैमें इमाम पंजो पेश आया इमाम जो इमाम है हि पा नीगर सा बदफेली जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले मामले तो पुलिस जो है जवाबदार अजीम सुमरो है बुधा पे वे तो उनके गिरफ्तार कर मतस केस दाखिल किया जै बाद जवाबदार के सेकंड सिविल जज की अदालत में रिमांड वठण लाए पेश किया वो डी आई जी सखर भी इन मामले जो है नोटिस वरतो मीरपुर माथेलो काबिल भयो के जो है मोतिल किया वो मोतली का वरी यो बुधाया तो वे तो चार कलाक गुजरी चुका है पर एस एच ओ काबिल भयो अख्तियार के अख्तियार के हुक्मन के छुडे छड़ो है थाने पिण मौजूद है
ढाई जो शिकार है नीगर तारिक तायो के भी पुलिस हथ न कर सकी है। नीगर लापता है जैसे नीगर के वालिद अब्दुल्ला की जो है फरियाद से मौलवी समेत बिन जन मथा नीगर के अगवा करण बदफिली जो केस भी पिण दाखिल किया है। जरियन वटा जो यो भी मालूम थो है मीरपुर माथिलो में गैंग है जो नौजवान नीगर के मुख्तलिफ किस्म जो लालचू दई वर्गलाए उन्हें बदफिली कर उनकी वीडियो ठाए उनके ब्लैकमेल कर तो वे। अच्छा इन ही सागी सूरत हाल में रात जो देर से नीगर जो वालिद है थाने अची पैं मौकुफ दिनों है तो मुझे पुट से बदफिली कई वही है मुझे पुट के गुम करे छो है उन यो भी चे तो मेडिकल कराने लाइ भी तैयार आया पर छोकरो मुझे जैसे मिल तरह मेडिकल जो बी जी सूरत हाल है इन कल का वी जो यो सोशल मीडिया से मामला उथन पाया मुंबई ना नौजवान से बदफिली करो सोशल मीडिया से भी पिण जो है फोटू वायरल क्या वह पेशमाम जो सूमरो है नौजवान से बदफिली कदे फोटू भी उन्होंने जहाँ वायरल किया हुआ जैसे बाद मौलवी जो है मस्जिद छड़े फरार थी वो जरियन वटा यो भी मालूम थे तो मौलवी असीम सूमरो के गिरफ्तार भी किया वो जैसे बाद उनके पुलिस जी गठजोड़ करे या समझो तो उनके जो गरी रकम दई उनके आजाद भी किया वो जैखा सोशल मीडिया से स्पीडली जो है ही मामला जमल उठा तो उनका एसएचओ तारुक में अची उनके पिण गिरफ्तार भी किया गिरफ्तार का उनके मत एफआईआर भी थी वही वरी बीहर जो उनको काबिल भय एसएचओ है मीरपुर माथेली जो उन बयान में बुधायो तो मीरपुर राबते करम से बुधायो तो मौलवी की गिरफ्तार किया है जो चवण है तो वीडियो जाली है वीडियो में बदफेली के शिकार नींगर की भी सुणप नी सी है वरी भी वो फरियादी थाने से आयो तो मामलो साइबर क्राइम जो है उनके लेटर लिखी कार्रवाई लाइ जी। अच्छा अशरफ यो बुधायो तो जे गैंग की तां गाल कई तो पुलिस इन हवाले से केड़ा वधिक एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन कल का अज तई 24 कलाक गुजरी चुका है तो पुलिस केड़ी वधिक इन्वेस्टिगेशन करे सकी है इन गैंग के हवाले से मीरपुर माथेलो को एडो वो शहर को जैमें ये गाल या यो गैंग लिखल हो ये सरगर्मियों जो थियन पी इन हवाले से गिरफ्तारी के इम्कान नजर अचन पाया गिरफ्तार थियन मुझे एसएचओ मीरपुर माथिल से गाल थी काबिल भय से उनको चवण है जैसे यह गैंग जो पॉइंट आउट फिलहाल तीन असो सामूँ ना आई है जैसे सामूँ इंदी को मू पॉइंट आउट कह तो गिरफ्तारी जरूर कहे पर हिमल तीन जो ब मू जो मौलवी अजीम है उनके गिरफ्तार कर वरत है बो जो मू जै फोटू पिक्स जो है या वीडियो जो उन कढ़ियान उनके अस उनकी गोला में आए उनसे भी गिरफ्तार कर उन मथा भी जो केस दाखिल ऑलरेडी थियल भी है पर उनके गिरफ्तार जरूर किया वो कोशिश है जो ये गैंग वो जो मामलो बुधाया पे वे शहर में भी चौबोल मुख्तलिफ मानून जहा भी ये व्यूज आन जो शहर में अड़े तरी तरह की जी गैंग है जी उनकी प्रैक्टिस अड़ा फोटू अड़ी जो शे सोशल मीडिया से वायरल कर उनके बदनाम भी कर तो वे गड़ो गड़ उनकी तजलील भी थे थी अस कोशिश में आयो तो इंशाला उनके भी जो जल्द गिरफ्तार किया वो पर इन सूरत हाल के जो बीहर मां कोशिश कई एस एस पी घोटकी का पर एस एस पी घोटकी के मुसलसल जो कॉन्टेक्ट में अचन की कोशिश कई पर एस एस पी घोटकी जो गाल सिंध टीवी से इनकार कर छो मामला ये जन है तो मां बिजी आया जी। अच्छा अशरफ ये बुधा तो मौलवी के जैसे अदालत में पेश वो तो मौलवी जो मौकिफ छा हो सामू अची सको केतर दिन रिमांड वरतो वो मौलवी जो सागो ही जो है मौकिफ है वो चे तो ये जो फेक है मुझे एक साल अग जो का दुश्मनी हुई जमीन पे जैसे कर मुझी फेक जो वीडियो ठाई वही है उत अदालत में जी मेल के पेश किया अदालत में पुलिस के जो है अदालत पारा टिन दिन जो रिमांड दिनों वो है टिन दिन की रिमांड का उनके थाने से लाकब हवाले कर जी। अशरफ जो एसएचओ है जैसे डीआईजी पारा मुअत्तल किया है वो भी कानून के ओरांगींदे अजा तई पो कम जी तुम बुधा तो थाने ते मौजूद है जिम्मेवार निभाए रो है कानून की लताड़ कर रो है इन हवाले से ती का गाल बोल थी है अख्तियार इन तरीके से जैसे तो उनका राइट्स हाँ ना उनके मुअत्तल किया है उन बावजूद वो ड्यूटी कें तो करे कि पो करे इन हवाले से एस एस पी घोटकी से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कई पर एस एस पी घोटकी को भी मौको देने भी तैयार न हो नहीं जो उनको फोन अटेंड कर जरियन वटा जो यो मालूम थो है तो उत बुधाया पे वे तो एस एच ओ पी रिट कायम करे थाने ते मौजूद है उन डी आई जी के हुक्मन के उन जो थुदे छो है अजा तई जो उत नौकरी पो करे वन तैयार ना है। अच्छा अशरफ यो बुधायो तो जो मुअत्तल थियल एस एच ओ है काबिल भयो
उन पारा छो जो सो तमाम घनी फेवर दिनी वही मौलवी के मौलवी अजीम सूमरो के जड़ी वो मामलो वायरल थो उन एस एच ओ पारा उनके गिरफ्तार भी न कयो वयो एस एच ओ जो मौलवी अजीम सूमरो सा इन बदफेली वारन मामलन में जो सो को लिंक आ है को ताल्लुक आ है को भाईवारी आ है ॾिसो एस एच ओ क़ाबिल भयो जेको पंहिंजे वीडियो बयान में न पहिरीं इन्वेस्टिगेशन कई उनमें एस एच ओ क़ाबिल भयो जो चवण आहे त ही जेको आहे 75 साल जी उमिरि आहे हीउ जेको आहे पीरसन आहे हीउ मुमकिन ई न आहे त को जेको हीउ अहिड़े मामले ॿुधे मामले में जेको आहे मुलविस हुजे पर तंहिं बावजूद बि हुन कुझु फेवर बि हुनजी कई उनखां पोइ जॾहिं सोशल मीडिया ते तमामु घणियूं ॻाल्हियूं जेको आहे नज़र पिए आयूं ऐं उते माण्हू मुख़्तलिफ़ सोशल एक्टिविस्ट जेको आहे लिखनि पिया जंहिंखां पोइ जेको आहे हू पुलिस तारुक में आई ऐं DIG जेको आहे नोटिस वरितो तंहिंखां पोइ जेको आहे गिरफ़्तारी बि अमल में अची वई उनखां पोइ FIR बि जेको आहे कटिजी वई पर चौबोल ईअं आहिनि त जेको एस एच ओ क़ाबिल भयो जेको आहे न हुन घणी रिश्वत वठी हुनजी सिफारिश करे जेको आहे न मामले खे लय मिटी करणु पिए चाहियो। अच्छा अशरफ इहो ॿुधायो त जेको मुतासिर नींगर आहे उन जे गुम थियण जी रिपोर्ट उन जे पीउ पारां दाख़िल कराई वई आहे उन जे पीउ जो छा चवणु आहे त उन्हनि जो नींगर केतिरनि ॾींहनि खां गुम थियल आहे? मैडम उन पीउ जो जेको मौक़ुफ़ु आहे हुन उते मीरपुर माथेलो थाणे ते पहुची हुन पंहिंजो हिकिड़ो वीडियो बयान रिकॉर्ड कयो उनमें उन इहा ॻाल्हि जेको आहे वाज़े कई त मुंहिंजे पुट सां बदफेली थी आहे ऐं मुंहिंजो पुटु जेको आहे मौलवी ऐं हुनजो जेको साथी आहे हुनखे गुम करे छॾियो आहे। हिन महिल ताईं मुंहिंजो पुटु घर बि वापसि कोन आयो आहे। शक आहे त मुंहिंजो पुटु जेको आहे अगवा थी वियो आहे ऐं तंहिं हूंदे बि जेको आहे हुननि पुलिस जेको आहे हुननि खां शुरूआती हुते रिपोर्ट हुन महिल वरिती जंहिंखां पोइ हिन प्रेशर जेको ॿाहिरां आयो उनखां पोइ जेको आहे हू FIR जेको आहे दाख़िल थी वई ऐं DIG जेको आहे नोटिस वरितो हिन मामले जो। अशरफ इन तरह के कुझु ॿिया मुतासिर जेके आहिनि उहे साम्हूं अची सघिया आहिनि या उन्हनि पारां कंहिं तरह जा के इंकशाफ़ थिया आहिनि? ज़ारा हिकिड़ी वॾी गैंग जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हि कयो था त उन गैंग जा केतिरा ई मुतासिर ॿाहिरां बि थी सघनि था, इन तरह जी का मालूमात आहे तव्हां वटि? ॾिसो उहा ही हिकिड़ी अवामी ॻाल्हि आहे, शहरनि जी ॻाल्हि आहे। अञा ताईं को वाज़े साम्हूं जेको अहिड़ी का सूरताल नज़र न आई आहे, पर अहिड़े तरीक़े जा खोड़ सारा अॻु में बि शुरू में ई केसिस थिया आहिनि वीरपुर माथेले में। अॻु में बि हिकिड़ो ईअं ई केस थियो, वीडियो वायरल थियो, उन में जेको आहे इहो बि ॿुधायो वियो त जेको आहे उनमें हिकिड़ा गैंगस्टर आहिनि जेका वीडियो रिकॉर्ड करे उन्हनि ब्लैकमेल ॿारनि खे बि कनि था। गॾो गॾु फीमेल्स बि जेको आहे इहे शुरू खां वठी जेको आहे इहे मामला हलंदा था अचनि, पर हिन महिल पुलिस जेको आहे को बि तारुफ़ न आहे वरितो। पुलिस इन ॻाल्हि खे जेको आहे ॿुधंदे ई लय मिटी करे थी छॾे ऐं कन ते का बि जू ई नथी चुरे। पुलिस को बि एक्सपर्ट मतिलबु तारुफ़ न वरितो आहे। वॾी महिरबानी अशरफ बुखारी असांखे मीरपुर माथेले में जेको इहो बदतरीन क़िस्म जो वाक़ियो पेश आयो आहे इन हवाले सां जेके अशरफ इंकशाफ़ कया त इन तरह जो हिकिड़ो वॾो गैंग आहे, इन जा गैंग जा केतिरा ई मुतासिर ॿाहिरां आहिनि, इन में नियाणियूं पिणु शामिल आहिनि जेके वीडियो रिकॉर्डिंग जे करे साम्हूं नथियूं अची सघनि, उन्हनि खे ब्लैकमेल कयो वञे थो। जॾहिं त SHO जे हवाले सां जंहिं DIG SHO खे सस्पेंड करे छॾियो आहे, उन बावजूदि उहो SHO थाणे ते मौजूदु आहे हिन वक़्त ताईं ऐं उहो पंहिंजो कमकार मामूल मूजिबि करे रहियो आहे। जॾहिं त SHO पारां इहो मामिलो वायरल थियण खां पोइ बजाए इन जे इन मौलवी अज़ीम सूमरो खे गिरफ़्तार कयो वञे, उन जी जेका उन फेवर उन कई उन जी फेवर खां पोइ चयो थो वञे त ॻरी रक़म जी ॾे वठि थी, उन खां पोइ अज़ीम सूमरो खे उन छॾे ॾिनो, उन खां पोइ सोशल मीडिया जे ज़रिए तमामु घणो प्रेशर पवण खां पोइ इन वाक़िए जो न रुगो आला पुलिस जे इख़्तियारनि नोटिस वरितो, जॾहिं त इन मौलवी खे पिणु गिरफ़्तार कयो वियो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन ई हवाले सां असांखे मुअतल थियल SHO क़ाबिल भयो जॉइन कयो आहे। क़ाबिल साहिबु भलीकार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। क़ाबिल साहिबु इन जेको वाक़ियो रिपोर्ट थियो आहे मीरपुर माथेलो जी हद में, तव्हां वटि कहिड़ा तफ़सील आहिनि? इहो मामिलो कीअं शुरू थियो जंहिंमें तव्हांजी बि इन्वॉल्वमेंट नज़र आई ऐं हिन वक़्तु तव्हांखे DIG पारां मुअतल बि कयो वियो आहे? जी जेको फरियादी आहे अब्दुल्ला आहे दायो, हुन फरियाद कराई तारिक हुनजो पुटु आहे जंहिंजी उमिरि आहे 15 साल। जी मीडिया जे ज़रिए नेट जे ज़रिए का ख़बर हली 10 तारीख़ जो, 10 तारीख़ ते जवाबदार ॿधोसीं
दाखिल करे टे डी रिमांड दे जवाबदार जी हेलो जी जी भयो साहब तां त उनके गिरफ्तार करण का लवाए वयो ना तां त उनके गिरफ्तार न कयो तां त उन जे हिमायत में एकडी वीडियो रिकॉर्ड मां ही गिरफ्तार कया मां ही उन दे एफआईआर दाखिल कई है वो तहां जी जेका वीडियो वायरल थी जेमे ता चो था त मौलवी पीरसन आए ये नथो करे सके ओ छा हो वो यो त जरे नमाज पढे पियो मस्जिद जे अंदर जी इन भजन जी कोशिश कई मस्जिद में शाम जो नमाज पियो पढे इन भजन जी कोशिश कई पयो सुत्रिया दे जी करिया दे थाने ते जी उन का पो वकील दोस्त सब आया जी ये न त एसएचओ साहब ने के डंडा आने मारत वनी जी बाबा मां छो कैसे मारिनु जेको कानून में ला चोंदो वो ही थिंदो भयो साहब ता जी या वीडियो छा के छा जे हवाले सा ही ता ये वीडियो छो जे में ता चो ता पीरसन आए उन का पो न के आजाद कयो वयो ता पारा गिरफ्तार करण का पोए चयो तो वने त ता उन पैसन जी का डेटी लेती थी आ उन के आज छड्यो वयो उन हा पो वरी सोशल मीडिया जे जरिए एकडो वडो प्रेशर थयो पो न के गिरफ्तार कयो इन जी त वजाहत कयो न अदी असाज ने छड़ो ही कोने लाकब में आ लाकब जो दर बंद हो इलाही मानू बटे हजार सौ गजी आ जे इन के गार गंद करने की कोशिश कई जी पर जे लाकब जे अंदर यो मानू मरे आ तशद थे आ तो हर मानू चले ना पुलिस के पे मारे हो जी असा जे छड़े हो तो पोचे की आ ठीक अच्छा भयो साहब पो तां के मौतल छो कहे वे जी अदी मौतल कहे वे वा तां के डीआईजी पारा डीआई साहब तो मुझे मालिक का मौतल करे तो करे सके फिलहाल तो मैं नौकरी से बैठा पानी नौकरी पे क्या तां के मौतल करण जे वाले सा का जान मिली आ है तो तां के मौतल सस्पेंड कयो वयो आ है तां के इन वाले सा का ऑफिशियली जान मिली आ है ना 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 मुखे को लेटर न मिले ना लेटर मिलंदो मौतल जो या सस्पेंड जो या किथा वणन जे लाए तो वेलकम सरकारी मुलाजिम आयो अच्छा यो बुधायो काबिल साहब त इन हवाले सा ये भी खबरू आहिन त मीरपुर माथेलो में इन तरह जो एकड़ो गैंग आहे जेको बारन के न्याणिन के ब्लैकमेल करे उनन सा ज्यादती करे बदफैली करे उनन जो वीडियो रिकॉर्डिंग करे थो पो उनन के हरासा कयो थो वने इन हवाले सा ता वट का जान आहे करे का कारवाई करे का जांच थी आहे ना जी मुझे टे महीना चन मुखे इन शे इल्म ही कोने त मा हर बार पानी भेण का कूड़ गलाई जा फायदो कोने अच्छा तां जी पोस्टिंग के केतरो वक्त थयो आते मुजी थयो ला 3 महीना 15 नी अच्छा ठीक आ वडी मेहरबानी भयो साहब ता मौके देना असा के प्रोग्राम में जॉइन कयो नाजिन एसएचओ मीरपुर माथेलो काबिल भयो असा सा गडो उन जो चवण तो उन जी पोस्टिंग के 3 महीना थयान मानु जो कडो वडो हुजूम हो जेको जमा थी वयो उन मानु उन के मारे छडिन हा मौलवी के इन जे करे असा मौलवी के छड़ो ही कोन तो मौलवी के गिरफ्तार किए कजे बहरहाल एसएचओ पारा इन शे जी वजाहत न कई वही त हुन जेका मौलवी के बचाने की कोशिश कई उन हिमायत में जेको कुछ गल आए उन जो सबब छा हो गैंग जवाले सा उन चो मुखे एडी का जान कोने का मौतली जवाले सा उन चो मुखे ऑफिशियल इंतरा जो को लेटर न मिलो नहीं को इन्फॉर्म कयो वयो आहे ऐं मां अञा ताईं पंहिंजो कमकार जारी रखियो पियो अचां जेकर इहा हूंदी सूरत हाल त पोइ कहिड़ा इंसाफ़ थींदा वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम जे सिलसिले के अगते वधाइंदासी प्रोग्राम जे बे हिस्से में गाल कंदासी फातिमा फरड़ो कत्ल केस जे हवाले सां वाज़ रहे त फातिमा फरड़ो कत्ल केस के 26 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि पर उन बावजूद अञा ताईं पुलिस जी जेका जांच आहे उहा सुस्ती जो शिकार आहे इन हवाले सां जेको असर शाह जो गिरफ़्तार आहे उन जो फोन जो कोड बि पुलिस अञा ताईं मालूम न करे सघी आहे उन जे फोन खे डीकोड बि न कयो वियो आहे पुलिस पारां नई इन हवाले सां जेके रूपोश थियल जवाबदार आहिनि हिना शाह या फयाज शाह उन्हनि खे को पुलिस गिरफ़्तार करे सघी आहे ऐं नई पुलिस पारां जेके आहिनि से जेका फातिमा फरड़ो जी जेका मेडिकल रिपोर्ट आहे उहा साम्हूं अची सघी आहे ऐं नई वरी जेके जुज़ा वरिता विया हिकु दफ़ो ॿीहर कराची हाणे असद शाह जा डीएनए जे लाइ जंहिंजी जेके लाहौर बि मोकिलिया विया हुआ उन्हनि जी का रिपोर्ट साम्हूं अची सघी आहे इन हवाले सां बि प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गॾो गॾु फातिमा फरड़ो जे वारसनि जे हवाले सां बि ॻाल्हि कंदासीं जिन खे धमकियूं पिणु मिली रहियूं आहिनि वाज़ रहे त फातिमा फरड़ो केस कतल केस जंहिंखे
ज्यादती जो निशानो पिण बणायो वयो जेका शुरुआती उन जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरन पारां जारी कई वई उन जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान आ जंहिं सॼी सिंध खे जेको आहे सो मुतहरिक करे छॾियो हिकिड़ी भरपूर मज़ाहमत कई वई ऐं राणीपुर जा जेके पीर आहिनि उहे जेल में त विया पर हिन वक़्तु जेका केस जी सूरत हाल आहे उन मां लॻे ईअं थो त इन केस खे लोड़ण जी या ॾोहार जवाबदार जेको आहे उनखे बचाइण जूं पूरियूं पूरियूं कोशिशूं थी रहियूं आहिनि जंहिंजी ॻणती पिण सिंधवासी ज़ाहिर करे रहिया आहिनि। इन हवाले सां सिंध जी सुञाण धुरतियुनि में पिण धुरियुनि में पिण ॻणतीअ जी लहर आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असांखे नवाब शाह सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़कार ख़ासि ख़ली जॉइन कयो आहे। भलीकार ज़ुल्फ़कार तव्हां प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो। ज़ुल्फ़कार तमामु वॾो केस जंहिंजी तमामु घणी हाइप क्रिएट थी, गिरफ़्तारियूं बि थियूं, पर अञा ताईं 26 ॾींहं गुज़री वञण जे बावजूद इहो पुलिस जेको आहे सो साबित न करे सघी आहे त ॾोहारी वाक़ई असद शाह आहे। उनखे बचाइण जो हर हरबो इस्तेमालु पुलिस पारां कयो पियो वञे, छा ॿुधाईंदो? जी बिल्कुलु, सभिनि तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको राणीपुर जे पीरनि जी हवेलीअ में हिकु मासूम नींगरी फातिमा फरड़ो खे जेको क़त्लु कयो वियो हो, जंहिंखे लिकायो वियो, ऐं बाद में असां जे डब्ल्यू सी ऐं सिंध जे शऊर उन केस खे जेको हाईलाइट कयो ऐं पोइ ॾिठो त पुलिस मुतहरक थी ऐं केस दाख़िल थियो ऐं जवाबदार असद शाह खे हिरासत में वरितो वियो हो ऐं उहो पोइ उन्हनि जी गिरफ़्तारी डिक्लेयर कई वई। 26 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, उन मां जेके 23 ॾींहं जेकी मेडिकल रिपोर्ट हुई, जेको मेडिकल बोर्ड जुड़ियो हुन लाश जो पोस्टमार्टम करे उते क़बर कुशाई कई हुई ऐं हुनजा जुज़ा वरिता विया, जेको असद शाह हुयो या ॿियनि जवाबदारनि जा बि जुज़ा वरिता विया, लेकिन जेकी असद शाह जा जुज़ा गम्स इस्पताल गंबट मां वरिता विया त जेकी पुलिस सर्जन आहे कराचीअ जी डॉक्टर सुमया, हुनखे शक पियो थिए जुज़ा जेके आहिनि से तब्दील थी सघनि था या मूंखे हिन में शक थो लॻे। त ॿीहर जेकी आहे घरू वज़ीर सूबाई जेको हारिस नवाज़ आहे हुनजे लेटर ते ॿी जेकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट थी ऐं ॿीहर जुज़ा वरिता विया असद शाह जा ऐं उहे हिकिड़ो त ICC BS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ऐं ॿियो लाहौर मोकिलिया विया आहिनि ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे मेडिकल बोर्ड वारनि सां। हुनजो चवणु आहे त जेके अॻियां जुज़ा या जेके पोइ जुज़ा वरिता हुआसीं उहे कराची ऐं लम्स खां असांखे मिली विया आहिनि। हाणे असांजे बोर्ड जी मीटिंग थियणी आहे पर अञा ताईं बोर्ड जी मीटिंग न थी वई आहे, सिर्फ़ु केमिकल जी जेकी रिपोर्ट आहे उहा रहियल आहे, उहा जीअं ईंदी त असां हुनजी रिपोर्ट जारी कंदासीं। इहे सिर्फ़ु बयाननि जे हद ताईं रुगी टाल मटोल करे रहिया आहिनि, जॾहिं त इन वॾे हेॾे वॾे हाई प्रोफाइल केस में एतिरी देरि न लॻंदी आहे। ॿियो तव्हांखे मां ॿुधायां त बिल्कुलु असद शाह जेको जवाहर हुनजी अमड़ बि मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे, असां सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे त हुनजी जेको पुलिस जो जेको जांच ऑफिसर आहे बचल काज़ी उहो ॿुधायो पियो वञे त उहो को वरी रिश्वत ऐं उन ते प्रेशर आहे या हुनजी वंगार पियो आहे जेको जवाबदार आहे असद शाह या जेके ॿिया जवाबदार आहिनि हुनजो जेको पिन कोड आहे उहो जेको आहे सो डीकोड न कराए सघियो आहे। हुनखे 26 ॾींहं थी विया आहिनि, तव्हां सम्झी सघो था त हीअ कहिड़ी जांच थी, छाकाणि त जेकर हू पिन कोड नथो ॾिए त इन मां इहा यकीन इहा पक थी वई त जवाबदार गिल्टी आहे ऐं जवाबदार इन खां वधीक ॿिया क्राइम कया आहिनि, जेके हुनजे मोबाइल में अहिड़ियूं वीडियोस जेके कुझु हुन कढी ॾिनियूं आहिनि या कुझु अहिड़ियूं आहिनि त उहो जेको ख़दशो ज़ाहिर पियो कयो त डार्क वेब जो मेंबर आहे या अहिड़ी यग में बि हरकतूं करे चुको आहे त उनजे करे हू पासवर्ड नथो ॾिए, लेकिन पुलिस जेको जांच ऑफिसर खे पासवर्ड नथो ॾिए त उहो हिनजो मतिलबु आहे त हिनखे बचाईंदा। उन खां पोइ जेकी हिना शाह आहे ऐं फयाज़ शाह उनखे पुलिस गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हिना शाह जी जेकी प्रोटेक्टिव बेल हुई हाईकोर्ट जी उहा हफ़्ते जी हुई ऐं उनखां पोइ उहा ट्रायल कोर्ट में पेश ई न थी त उनखे बि पुलिस गिरफ़्तार न करे सघी आहे। SSP जेको अॻिनो रॉयल खोसो हुन कानून वारे वज़ीर उमर सूमरो जॾहिं अली मंद फड़ो पहुतो त हुन चयईं मूंखे रुगी ॿ ॾींहं ॾियो, हुन इंग्लिश में जेको आहे सो हुनखे सेटिस्फाई करण जी कोशिशि कई त मूंखे सिर्फ़ु ॿिनि ॾींहंनि में मां हिना शाह ऐं फया शाह खे गिरफ़्तार कंदुसि, उहे बि गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। ऐं उनखां पोइ धमकियुनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे ऐं जेके जवाबदारनि हुन इहो बि चयो त जीअं सिंध जो जेको शऊर जो ज़ोर आहे उहो घटिजे, पर सिंध जो शऊर अञा घटियो न आहे ऐं उनखां पोइ JWC ॿिया इदारा ॿियूं तनज़ीमूं बिल्कुलु मुतहरिक आहिनि हिन केस खे हाईलाइट करण जे हवाले सां। 24 तारीख़ ते हुनजो वॾो हिकिड़ो चालीहो कयूं ताईं हुते हिकिड़ी तहरीक़ जी शुरूआति बि कई वेंदी त पुलिस ऐं मेडिकल बोर्ड जी जेकी रिपोर्ट न अचण हिन मां इहे ख़दशा ज़ाहिर थियनि त पुलिस ऐं जेकी सिंध हुकूमत आहे इंतिज़ामिया हुन केस खे लोड़ण घुरिजे, जेतोणीकि निगरान हुकूमत आहे सेटअप आहे पर हुनजे बावजूद बि लॻे थो त जवाबदारनि जा जेके असर आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि हुन नियाणीअ खे ऐं इंसाफ़ ॾियारण में जेको आहे सो तमामु घणी हिकिड़ी सुस्ती कई पई वञे, जिते करे सिंध जो हर बाशूर माण्हू जेको आहे सो परेशान आहे, हर बाशूर माण्हू जेको आहे सो ॻणितीअ में वरितलु आहे, छाकाणि त हीउ जेको फातिमा फड़ो वारो जेको दर्दनाक
सिर्फ मौत न थियो पर उनके जिंसी डाढ़ाई जो बेइज्जती सा जिंसी डाढ़ाई जो शिकार किया उनके कत्ल किया माइटन के यो दबाव विधो वो तो तो ये बीमारी में मुई आई उन असा जे डब्ल्यू सी टीम उतने पहुंची केस के जो अस हाईलाइट किया यकीन सी सिंध उन केस के हाईलाइट किया सी सिंध जो शौर इन मुतफिक है सिंध शौर यो घुर करे तो इनमें जे भी जवाबदार तमाम घोड़ो संगीन डो उनके केफरे किरदार तक पहुंचन घुर्ज। अच्छा जुल्फकार इन हवाले से तीन पुलिस के आला अख्तियार डीआईजी से या एस एस पी से गाल बोल थी है तो छो जन से मथी सतह तई जो एतरो प्रेशर आहे या पुलिस में मुदाखलत आहे इन केस जे जवाबदार के बचाने के हवाले से पुलिस जो मौकिफ ती अची सको है मालूम थी सको है जी रिसेंटली तो पुलिस जो मौकफ न अची सको पर अस इन खैरपुर में धरणो आयो एस एस पी ऑफिस आयो तो जो अगूणो एस एस पी रॉयल कोसो उन यो वायदो कयो तो जल्द बया जवाबदार भी गिरफ्तार थींदा उनके वारसन के तहफुज भी दिनो वेंदो मेरिट जो जांच कई वेंदी पर वो सिर्फ उनको असाजे इन धरणे के प्रेशर के करे बयान उनके करे इन वक्त भी वार सब जो सख्त परेशान है वे भी सोचन पाया तो अस कौमी शाहरा बिला क्यों या धरना हणूँ या भुख हड़ताल क्यों तो सच पुलिस जो हाँ वो रोल न रो हाँ जो नव एस एस पी आयो समीला सुमरो वो उनके गोठ पोतो है उन उम्मीद रखी सके थी तो उन केस के हाईलाइट कह सुको एक मीटिंग भी रखी है जो कानून वो वजीर है उमर सुमरो उन हंगामी ने अलीम फातिमा फरड़ो के हवाले से कराची में आई जी के डी आई जी सखर एस एस पी सखर डी सी सखर कमिश्नर सखर के बेन इदार के तलब किया है तो ये इन केस किथे पोतो है इन केस अपडेट आए तो यकीन जो निगरान कानून वो वजीर है वो लगे तो संजीदा इन केस के जो सो कंटिन्यूसली जो सो उनकी फॉलो में भी आए पर पुलिस जी है किरदार अदा नी कर किरदार अदा रखना खे। अच्छा जुल्फकार जवाबदार जो मोबाइल डीकोड करण एक्सपर्ट्स के लिए एडो वो मसलो बनल है इन हवा से जो एक्सपर्ट्स उन्होंने राबतो किया ना वो या पुलिस दिलचस्पी नी दिखारे तो भाई मोबाइल के डीकोड कराए मां तांखे बुधायां त डी कोड करण जो को वड़ो इशू ही ना है जवाबदार खां हर हवाले से जैसे रिमांड में होंद है तो उनके पुलिस के यो मैंडेट मिल होंद है तो वो उनका पंजी पुछा गाछा कर सके छाकाण त रिमांड ही कर दिनो वेंदो है तो तफ्तीश जी है वह मुकम्मिल थे पर पुलिस यकीन उनके कनलाटार कर केस के लेंदी पी कर तो जी चालान का अग में जो सिंध जो दबाव आ जो शऊर गड थो है वो थोड़ा झको थे तो कंप्रोमाइज के ला उ शूं वन त पुलिस बिल्कुल इनमें सुस्त रफ्तारी छा पर इंतहाई ना हली कर रही है इन न्याणी के खून लोड़न में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है बचल काजी वो बिल्कुल मुलविस है उनकी खोड़ सारे शायद भी मिली है तो गोसपुर से ताल्लुक रखे तो उत गोसपुर जे पीर हैं वे इन पीर जे वास्ता है उनके कर केस में वो बचल काजी इनके बचा रो है जी। जुल्फकार यो बुधा तो समाजी हवाले से तहरा एक वो यो सोशल मीडिया से यो वाक्य उन समूरो सिंध जो शऊर सुजाग थो वही जदोजहद वही मजामत वही यकजहती जो इजहार किया तो डोहार के कैफर किरदार तक पहुंचाया वो हिना शाह की गिरफ्तारी या फयाज शाह की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस जो मौकफ छा है रिपोर्ट थियल पुलिस इन हवाले से किथे के छापा हया का टीम जोड़ी है का विल डेखारी उन्होंने गिरफ्तार कर कुछ भी न थो बिल्कुल पुलिस खामोश बनल है सिर्फ मीडिया के बयान तीन महदूद है पुलिस ला को वो मसलो ना है जैसे तुम ठो हों तो कें बासर या कें वडेरे या कें हुकूमत में शामिल मानू की बकरी चोरी थी वी है तो पुलिस उत उन जवाबदार सिर्फ बदली ना है पर उनका घर उन माल कई है उनका घर बिल्डोज क्या वा उन वारसन के बधो वो है तो इन वक्त भी जो उन जवाबदार लोकेट कर तो परे की गाल है पर वह रानीपुर में भी उनके घर से पुलिस न वही है तो पुलिस सुस्त रफ्तारी जो शिकार रही है तो हि केस जो तो जवाबदार के कि बचाए यकीन पुलिस से प्रेशर हों जे जवाबदार बासर उन हुकूमत में कंटिन्यूसली रहा है उनका जो जवाबदार है उनका जो चाचा उम एन एगुणा एम पी आन तो यकीन पुलिस से दबाव बरकरार है। वही मेहरबानी जुल्फकार खास के लिए तुम मौकफ दें अस प्रोग्राम में जॉइन कर नाजीन नवाब शामा सिंध टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुल्फकार खास के लिए असें बुधा रहे हो तो फातिमा फरड़ो की जी मेडिकल रिपोर्ट है वह सामूँ अची सी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन अलावा जो जवाबदार है असद शाह उनके डी एन ए लाइ जुजा वरता वह लाहौर मोकलिया वह कराची उन पिण रिपोर्ट सामूँ अची
न सघी आहे ऐं नई जेके रूपोश जवाबदार आहिनि हिना शाह ऐं फया शाह उन्हनि जी गिरफ़्तारी कामल में अची सघी आहे। नई वरी पुलिस जेका आहे सा जेको जवाबदार आहे असद शाह उन जे मोबाइल जो जेको कोड आहे उनखे डी कोड कराए सघी आहे, उन जो कोड मालूम न कराए सघी आहे। इन्हनि सभिनी मामलनि मां लॻे ईअं थो त न रुगो पुलिस उन जवाबदार खे बचाइण जूं कोशिशूं करे रही आहे बल्कि असर रसूख पिणु इस्तेमालु थी रहियो आहे। गॾोगॾु उन जे वारसनि खे फातिमा फरड़ो जे वारसनि खे पीउ माउ खे पिणु धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे ज्वाइन कयो आहे फातिमा फरड़ो जी वालदा ज्वाइन कयो आहे। भलीकार तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो, मूंखे इहो ॿुधायो त फातिमा फरड़ो जे तव्हांजी न्याणी जीअं क़तल थी, फातिमा फरड़ो जे क़तल खां पोइ हिन वक़्त ताईं पुलिस जेका जाच कई आहे उन जाच मां तव्हां मुतमइन आहियो? दादा जी मुतमइन आहियूं, पर अञा पुलिस त कान कई आहे न फया साहब दोवा में हिन छा जी फया जी जी असांखे ॼणो अञा कोन आहियो पुलिस ॾिनी आहे। अच्छा पुलिस अञा फयाज शाह ऐं हिना शाह खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे, इन हवाले सां पुलिस सां तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे, छो गिरफ़्तार न करे सघी आहे, पुलिस को सबबु ॿुधायो आहे तव्हांखे? अच्छा ठीकु, अच्छा तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हांखे कई धमकियूं मिलनि पियूं जेके बासरन ज़ाहिरा राणीपुर जा पीर उन्हनि पारां तव्हांखे ठहियल आहे, केस तव्हां हथ खणण जे लाइ को ड्रिजारियो वञे थो या के धमकियूं वग़ैरह मिली रहियूं आहिनि? अच्छा कहिड़े क़िस्म जूं धमकियूं मिलनि थियूं, हो छा था चवनि तव्हांखे धमकियूं ॾियनि था त छा चवनि था, कहिड़ो नियापो तव्हांखे मोकिलिनि था? अच्छा जी न कंदासीं। अच्छा इहो ॿुधायो त तव्हां बिल्कुलु ठा न कंदो, ठा करण बि न घुरिजे, तव्हां सम्झो था त पुलिस हिन वक़्त ताईं जेका जांच करे रही आहे उहा सही रुख में करे रही आहे, जेको नओं SSP आयो आहे उन तव्हांखे जांच जेको आहे सो इत्मिनान ॾियारियो आहे त हिना शाह ऐं फया शाह खे गिरफ़्तार बि कयो वेंदो, पर तव्हांखे छा थो लॻे त छा तव्हांजी न्याणीअ खे इंसाफ़ मिली सघंदो? अच्छा तव्हांजो मुतालबो छा आहे, छा चवंदो? ज़ाहिरा सभई सिंधवासी तव्हांखे ॿुधनि था, तव्हां उन्हनि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो, छा चवणु चाहींदो तव्हां? असांखे सभु साथ ॾियनि, माण्हुनि सां आहियां ॿधल फातिमा जी माउ, मूंखे उहे गिरफ़्तार थियनि हिन छा। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी फातिमा फरड़ो जी वालदा असां सां ॻाल्हाए रही, हुन जो चवणु हो त ज़ाहिर आहे हिकिड़ी बिल्कुलु सीधी सादी औरत आहे, हुन जो इहो ई मुतालबो हो जे हुन पंहिंजी ॼाण जे मुताबिक़ जेका ॻाल्हि कई त हुननि खे अञा ताईं इंसाफ़ न मिलियो आहे। हुन इहा ॻाल्हि बि कई त हुनखे धमकियूं मिली रहियूं आहिनि त ठा कयो वञे, मुख़्तलिफ़ ज़रियनि खां हुननि खे मैसेजिस नियापा मोकिलिया वञनि था, मैसेजिस कराया वञनि था, पर हू पंहिंजी धीउ जे कातिलनि सां कंहिं बि सूरत में ठाह न कंदी ऐं हिना शाह ऐं फया शाह जेके रूपोश आहिनि उन्हनि जी गिरफ़्तारी न थियण जी पिणु हुन मज़म्मत कई त अञा ताईं उहे पिणु गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि। यकीननि सिंध में इन तरह जा इहे के पहिरियां वाकिया न आहिनि, इहे वाकिया रोज़ानो जी बुनियाद ते असांखे थींदे नज़र अचनि था, पर अहिड़ा वाकिया एॾी वॾी हाइप क्रिएट थींदे, हाई प्रोफाइल थियण जे बावजूद जॾहिं इन जा ॾोहारी पकड़ में हूंदे, पुलिस उन्हनि खां कुझु रिकवर न कराए सघे, इन्हनि जूं जेके रिपोर्ट्स आहिनि उहे साम्हूं न आणे सघे, इन केस खे डिले करण जा मुख़्तलिफ़ हरबा इस्तेमालु कंदी हुजे, उन में तमामु घणी मुदाख़लत हुजे, प्रेशर हुजे, त पोइ कहिड़ो इंसाफ़ मिली सघंदो? पर उन बावजूद सिंध जी जदोजहद, सिंध जे शऊर जो इहो अज़म आहे त फातिमा फरड़ो जा क़ातिल हर सूरत में अंजाम ताईं पहुचाया वेंदा। नाज़रीन अॼोके हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु मिणंदे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, अलाह वाहिगुरु।